हाँ, लास्ट चैप्टर एंड हो गया था और ऑलमोस्ट हमने हर चीज डिस्कस कर लिया था। रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी हमने डिस्कस कर लिया था बच्चों। तो ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड ईच एंड एवरीथिंग। गुड मॉर्निंग आकांक्षा। हाँ, फ्लूइड्स एंड बॉडी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर दैट, इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन आस्क। और वह ठीक है। बहुत कम बचा है सर, बच्चे तो कम है, लेकिन मुझे लगा कि चलो ठीक है। एनी क्वेरीज, इफ यू डोंट हैव एनी क्वेरीज, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर। बच्चे धीरे धीरे आते रहेंगे, अपना काम चलता रहेगा। सो हियर वी आर गोइंग टू बिगिन विद द सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ योर बॉडी फ्लूइड्स विद इन द बॉडी। तो बॉडी के अंदर किसी भी फ्लूइड का सर्कुलेट होना जो बॉडी के ऑलमोस्ट हर रीजन को कवर करे, उसको हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड जनरली वाटर अलोंग विद सर्टेन सेल्स या प्रोटीन्स हो सकता है, लेकिन वो क्या क्या कंसिस्ट करता है, मतलब किन किन चीजों को लेकर ट्रेवल करता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, अमाइनो एसिड्स आते हैं, न्यूट्रिएंट्स आते हैं, आपके हॉर्मोन्स आते हैं, आपके आयंस आते हैं, सॉल्ट्स आते हैं, और बहुत सारी चीजें जो ब्लड में मिक्सेबल है वो सब चीजें आती हैं। तो बच्चों, हमारे अंदर जो भी है, जो भी चीजें ट्रांसपोर्टेशन के लायक है, चाहे वो गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड कंपोनेंट्स हो, हर चीज ब्लड में मिक्स होकर के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, अंटिल और अनलेस उसमें क्या नहीं हो, उसका खुद का डक्ट सिस्टम ना हो। बच्चों कुछ ऐसा बताइए जिसमें डक्ट सिस्टम ऑलरेडी प्रेजेंट है, कोई ऐसी चीज बताइए जो डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन देती हो, उसको ब्लड की जरूरत नहीं है। लीवर। गुड अंजलि। पैंक्रियाज भी ठीक है श्रेयांस, अंजलि ठीक है पैंक्रियाज, ओके। जितने भी हमारे क्या है, एक्सोक्राइन पार्ट है बच्चों, कौन एक्सोक्राइन पार्ट, वो सब क्या है, डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन देते हैं, चाहे वो सेलाइवरी ग्लैंड हो, चाहे पैंक्रियाज हो, चाहे लीवर हो। पैंक्रियाज हालांकि एंडोक्राइन भी है, वो हार्मोन जब सिक्रीट करता है तो ब्लड में करता है, लेकिन जब एंजाइम सिक्रीट करता है तो डक्ट के थ्रू ही करता है। ओके, ओवी डक्ट स्नेहा, चलिए ठीक है। तो चलिए ठीक है बच्चों, मैं कभी भी किसी चैप्टर को इनिशिएट करने से पहले या स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक्स देता हूं, और बहुत जरूरी भी है। हम लोग सबसे पहले लोअर ऑर्गेनिजम्स के बारे में जान लेते हैं कि उनका सर्कुलेटरी सिस्टम था, नहीं था, नहीं था भी तो किस तरह था, और किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है डिफरेंट डिफरेंट सर्कुलेटरी सिस्टम्स का। तो बच्चों, एक ही चीज पूछना चाहूंगा कि सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किसके अंदर आया। मैं नहीं दिया बेसिक्स, बट आई विल डिस्कस। सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किसके अंदर आया था, और उसके पहले क्या होता था। गुड आस्था, अंजलि गुड। सिर्फ दो बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, श्रेयांस नहीं। आप काफी पहले फाइलम पे पहुंच गए हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मंतशा थोड़ा और आगे बढ़िए, नहीं रितु थोड़ा सा और आगे बढ़िए, नहीं निशांत, हाँ श्रेयांत सभी ठीक है आपका, निशांत नहीं, थोड़ा आगे बढ़िए, मंतशा आप बहुत आगे बढ़ गए।
हाँ अंजलि ठीक है। नहीं निशान बहुत आगे बढ़ गया, आप तो लास्ट एकदम फाइलम पे पहुंच गए। चलिए बच्चों ठीक है, मैं बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, तो सिंपली एनिलीडा के अंदर सबसे पहले आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला था। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक फ्लूइड का सर्कुलेशन होता है, जो बॉडी के अंदर एक पैटर्न में क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, और सारे बॉडी ऑर्गन्स को उनके रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स को पहुंचाते हैं। तो ये सिस्टम पहली बार जो इंटरनल बॉडी के अंदर सिस्टम डेवलप हुआ था वो एनिलिड्स के अंदर हुआ था। इससे पहले बॉडी के अंदर फ्लूइड का या तो एब्सेंस था, या तो ब्लड का कोई मतलब सर्कुलेशन नहीं था। बॉडी फ्लूइड्स अपने अंदर के कंपोनेंट बाय डिफ्यूजन पहुंचा रही थी, कुछ सेल्स के थ्रू सेल टू सेल डिफ्यूजन या टिश्यू टू टिश्यू डिफ्यूजन करके पहुंचा रही थी। ठीक है, तो बॉडी बहुत सिंपल टाइप की थी, तो आराम से पहुंच जाता था फ्लूइड डिफ्यूजन के थ्रू। लेकिन जब बॉडी कॉम्प्लेक्स होने लगी तो वहां पर एक सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत पड़ी। कुछ ऑर्गेनिज्म जो इससे पहले आते हैं उनके अंदर वाटर के थ्रू पहुंचता है, तो पानी कई जगह फ्लूइड का काम करता है और उसको कैनाल सिस्टम कहते हैं, जिसमें वाटर एक कैनाल के फॉर्म में ट्रेवल करता है और सर्कुलेटरी सिस्टम उसमें लैग करता है। ओके बच्चों, नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स। द वेरी फर्स्ट इज, हाँ, पॉरीफेरा में कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह के होते हैं बच्चों, पहला ओपन टाइप होता है और दूसरा क्लोज टाइप होता है। हाँ स्पॉन्जेस, ठीक है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब बच्चों, ओपन और क्लोज में आपको क्या बेसिक डिफरेंस पता चल रहा है? सर्कुलेटरी सिस्टम अगर ओपन है तो, हाँ पुलकित बताइए। सर ओपन क्लोज्ड में वेसल्स के अंदर से जो ब्लड होता है वो पास होता है, और जो ओपन टाइप में होता है उसमें ऐसे ही सेल के बीच के जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं उसमें से पास होता है ब्लड। गुड, ठीक है ठीक है। नाम से ही क्लियर है बच्चों, क्लोज्ड में किसी क्लोज्ड कंपोनेंट के अंदर, किसी ट्यूब के अंदर, किसी वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो करेगा, ओपन में खुला हुआ करेगा। मतलब किसी कैविटी के अंदर इनक्लोज्ड होके नहीं करेगा, किसी कैनाल में कर सकता है, किसी अदर पाथवे में कर सकता है, लेकिन किसी क्लोज्ड कैनाल में नहीं करेगा। वो बॉडी में कहीं पे भी रैंडमली जाएगा। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में एक दिक्कत होती है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड जिसके पास पहले पहुंचता है उसको ज्यादा न्यूट्रिएंट दे देता है, और जिसके पास बाद में पहुंचता है उसको कम न्यूट्रिएंट और गैस मिलती है। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म सप्लाई होती है, किसकी, न्यूट्रिएंट की और गैसेस की। क्लोज में क्या होता है, हर अलग इंडिविजुअल ऑर्गन के पास अलग अलग ब्लड वेसल्स ब्लड लेके जाती है, तो हर ऑर्गन को यूनिफॉर्म सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है। एक बराबर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में देखने को मिलती है, लेकिन ओपन में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। हाँ ठीक है श्रेया, हाँ सिमरन आपका भी सही, ठीक है ऋतु, सॉरी श्रेया, ओके ऋतु, हाँ ठीक है, हाँ सॉरी। तो बच्चों कहने का मतलब यही है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो हो वो ज्यादा एडवांटेजियस है और ज्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्म सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन करता है, और ओपन में क्या होता है कि नॉन यूनिफॉर्म सप्लाई होती है, जिसको सबसे पहले बात किया गया, मतलब ब्लड जिसको सबसे पहले पहुंचेगा जिसके पास, उसको क्या कर देगा, उसको सिंपली पहुंचा देगा सारा का सारा गैस न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन, जो बचा कुचा है वो अगले वाले ऑर्गन्स लेंगे। तो इस तरह नॉन यूनिफॉर्म सप्लाई होती है बच्चों। तो एनेलिडा जो था वो सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम लेके आया, और वो भी कैसा था, क्लोज्ड था। ये बहुत बार पूछा गया है बच्चों कि अकेला इकलौता अकेला ऐसा इनवर्टिब्रेट कर रहा हूं, नॉन कॉर्डेट है, जिसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिड्स में इवॉल्व हुआ। और इनका भी जो ब्लड होता है वो रेडिश इन कलर होता है, इनका ब्लड जो रेड होता है वो
प्लाज्मा के प्रोटीन की वजह से होता है, और हमारा जो ब्लड रेड होता है वो हमारे आरबीसीज की वजह से होता है, हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स की वजह से होता है। ठीक है, तो अगर कभी पूछ लिया जाए कि इनके ब्लड में जो रेड रेड कलर है वो किसकी वजह से है, तो आप कहेंगे प्लाज्मा में जो प्रोटीन है या पिगमेंट्स है उनकी वजह से है, और हमारा सेल की वजह से है, आरबीसीज की वजह से। ठीक है, क्योंकि ये सेल लैक करते हैं, एनेलिड्स के अंदर कोई ब्लड सेल नहीं होता एज सच। सो स्टूडेंट्स, एनेलिड से अगर हम आगे बढ़े तो आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स में भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, और कॉकरोच में आपको बताया भी गया था वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब बच्चों, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम स्पेशली आर्थ्रोपोड में जो सर्कुलेशन होता है, जिस रीजन में, जिस एरिया में सर्कुलेशन होता है पूरे ब्लड का, उस एरिया को हम क्या कहते हैं? एक स्पेसिफिक टर्म बताया गया था आप लोगों को, एच से स्टार्ट था। वेरी गुड अंजलि, शाबाश। हाँ आकांक्षा, गुड, एच से था। जिस कैविटी के अंदर ब्लड ट्रेवल करता है ओपन में, उस पूरी कैविटी को क्या कहते हैं? हाँ सिमरन, गुड। हाँ सोनिया, नहीं सोनिया लिम्फ नहीं होगा लास्ट में, बाकी सही है। श्रेयस ठीक है, श्रेया ठीक है, अंजलि ओके, और दूसरे बच्चों? हाँ ऋतु ठीक है आंसर आपका, मंतशा ओके, गुड। बच्चों उसको हीमोसील कहते हैं, ठीक है। हाँ काव्य अंजलि, इसको हम क्या कहते हैं? हीमोसील बोलते हैं। तो जो ब्लड सर्कुलेशन आपके आर्थोपोड्स में पाया जा रहा है वो ब्लड सर्कुलेशन हीमोसील टाइप है। क्यों? क्योंकि वहां पर ब्लड सर्कुलेशन सिंपली पूरे ब्लड, पूरे हीमोसील या सीलोमिक कैविटी को बात करता है डायरेक्ट। अब बच्चों, एक ऐसा भी जानवर है या ग्रुप है जिसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम तो बना हुआ है, मतलब ब्लड का पाथवे बना हुआ है सर्कुलेट कराने का, लेकिन ब्लड नहीं है उसके अंदर, पानी आता है और पानी सर्कुलेशन कराता है, मतलब ब्लड का काम वाटर करता है उसके अंदर। वो कौन सा फाइलम है बच्चों? वो उस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है, मतलब ब्लड के लिए रास्ता बना हुआ है, कैनाल्स रेडी हैं, लेकिन उसकी जगह पानी आ रहा है। वेरी गुड श्रेयस। निशांत नहीं, निशांत और ध्यान दीजिए थोड़ा। नहीं कोमल, कोमल पॉरीफेरा में कोई सिस्टम बना ही नहीं होता। अगर आप लोग को पॉरीफेरा लग रहा है तो उसके अंदर कोई सर्कुलेटरी पाथवे नहीं बना होता है, दैट इज जस्ट अ कैनाल। हाँ श्रेयांश ओके, आस्था का भी ठीक है, सिमरन का भी ठीक है, मंतशा का भी ठीक है। अरे बताओ ना भाई, निशांत नहीं, आप सोचो ना कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? वाटर से स्टार्ट है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी वाटर से ही स्टार्ट है। हर फाइलम आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो पढ़ा होगा ना, तो एक ऐसा भी ऑर्गेनिज्म है जिसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इतना भी बता दिया मैंने लोग। हाँ अंजलि ठीक है, आदित्य ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अब बता दो बच्चों फाइलम का नाम। हाँ आदित्य ठीक है, अंजलि कोमल, रितु नहीं, रितु सही नहीं है आपका, नहीं निशांत सही नहीं है, श्रेया ठीक है, अंशु बाला ठीक है। इसको हम एकाइनोडर्मेट्स कहते हैं, ठीक है बच्चों, आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग को याद होना चाहिए था, ज्यादातर बच्चों ने हालांकि सही आंसर दिया था पहले ही। तो एकाइनोडर्मेट्स आर द ऑर्गेनिज्म विच इज हैविंग वॉटर इन प्लेस ऑफ ब्लड, एंड इट इज जस्ट नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलेशन, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो उनके अंदर बहुत सारे काम कराता है वॉटर वेस्कुलर सिस्टम। एनी हाउ वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स। जब सबसे पहले ब्लड इवॉल्व हुआ, सॉरी ऑर्गन इवॉल्व हुए, ठीक है, तो हार्ट को हमने डिफरेंट डिफरेंट मस्कुलर स्ट्रक्चर में देखा, डिफरेंट डिफरेंट मस्कुलर स्ट्रक्चर में देखा। तो हार्ट को हमने पहले, हार्ट डेवलप नहीं हुआ, और हुआ भी तो मस्कुलर स्ट्रक्चर्स में। तो एनेलिड्स के अंदर कितने चैम्बर हार्ट था बच्चों? कॉकरोच का तो अभी आप बता ही दोगे फटाफट, लेकिन एनेलिड्स का बताइए पहले, ये पूछा जा सकता है। नहीं मंतोषा, काफी कम बता दिया, ज्यादा होता है। नहीं
खुशी। और बताइए, नहीं, और देखिए और सोचिए। ज्यादातर बच्चे तुक्का मार रहे हैं। श्रेया ने कहा नो हर्ट, हर्ट ही नहीं होता। और हर्ट तो जाहिर सी बात है नहीं होगा, मैंने कहा हर्ट की तरह जो मस्कुलर स्ट्रक्चर। अनामिका आपने कॉकरोच का बता दिया, फाइव। जितने भी बच्चे फाइव बोल रहे हैं वो भी आंसर सही नहीं है, ठीक है। लिसन लिसन लिसन, इनके अंदर हर्ड जो होते हैं वो टोटल 10 होते हैं बच्चों। 10 लिखो या फिर 5 पेयर्स लिखो, ठीक है। दे हैव 5 पेयर ऑफ हर्ड, और यू कैन से 10 मस्कुलर स्ट्रक्चर्स विच रिप्रेजेंट हर्ड विद इन देम। या डबल होंगे, पेयर में होंगे, ठीक है बच्चों। कई बच्चों ने 5 लिख के छोड़ दिया है। कॉकरोच में 13 चैम्बर्ड हर्ट होते हैं। पहली बार हर्ट एक्चुअल में डेवलप कहां हुआ बच्चों? 2 चैम्बर्ड ही था लेकिन पूरी तरह हर्ट था वो। कहां पे डेवलप हुआ? ये सब तो मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो हर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेप्टाइल्स, पाइसेस। श्रेयांस ने पाइसेस बोला, पाइसेस इज द राइट आंसर। द वेरी फर्स्ट हर्ट दैट इज डेवलप्ड फुल्ली इज इन पाइसेस विथ 2 चैम्बर्ड, with 2 chambered heart, and then it evolves from 2 chambered to 3 chambered, 3 chambered to partial 4, partial 4 to complete 4 chambered, ठीक है। तो यह heart का evolution है कि heart सबसे पहले simple form में pisces में आया, जो 2 chambered था, उसके बाद 3 chambered हुआ amphibians में, reptiles में भी 3 chambered था, एक आध में 4 chambered develop हुआ reptiles में, और देन फाइनली बर्ड्स और मैमल्स में कंप्लीट फॉर्म में 4 चैम्बर्ड हर्ट पाया गया। अब बच्चों 2 और 3 चैम्बर्ड हर्ट का नुकसान क्या है और 4 चैम्बर्ड हर्ट का फायदा क्या है? जिनके अंदर 2 और 3 चैम्बर्ड हर्ट्स हैं उनका नुकसान क्या है और जिनके अंदर 4 चैम्बर्ड हर्ट है उनका फायदा क्या है? रितु ने हाथ उठाया। जी रितु। सर जो 2 चैम्बर्ड हर्ट है उसमें सिर्फ हम उसमें तो सिर्फ ये क्या बोलते हैं, एक तरफ से ऑक्सीजन जाएगा ही और क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ही मतलब उसमें डिफ्यूज होगा, और 3 चैम्बर्ड में भी यही होगा। 4 चैम्बर्ड में आपको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पूरा सर्कुलेशन होगा, हाफ सर्कुलेशन नहीं होगा। ओके गुड, ठीक है। सिंपल सा एक लाइन का आंसर है कि अगर 2 और 3 चैम्बर्ड हर्ट है तो मिक्स्ड सर्कुलेशन होगा। मिक्स्ड सर्कुलेशन मतलब जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ बॉडी में ट्रेवल करेंगे तो बॉडी को दिक्कत होती है। अगर मान लो ब्लड जा रहा है, ब्लड में ऑक्सीजन भी है कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो अब उन दोनों में से सिर्फ ऑक्सीजन को निकालना है तो बॉडी को दिक्कत होती है, क्योंकि ऑक्सीजन को पहले आइसोलेट करना होता है तब निकालना होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड से अलग करना होता है तब निकालना होता है। लेकिन जिनके अंदर डबल सर्कुलेशन होता है, मतलब 4 चैम्बर्ड हर्ट वालों के अंदर, जिनके अंदर क्या होता है डबल सर्कुलेशन होता है, उनके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड अलग जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड अलग जाता है, तो बॉडी ऑर्गन्स को दिक्कत नहीं होती। वो ऑक्सीजन वाले ब्लड से आराम से ऑक्सीजन निकाल लेते हैं और कार्बन डाई वाले को आराम से कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं होती। हाँ, मिक्सिंग नहीं होती डबल चैम्बर्ड में, सॉरी 4 चैम्बर्ड में मिक्सिंग नहीं होती ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, लेकिन 3 और 2 चैम्बर्ड में मिक्सिंग हो जाती है, इसीलिए उसको हम मिक्स सर्कुलेशन बोलते हैं और इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो बच्चों डबल सर्कुलेशन का एडवांटेज यही है कि हर ऑर्गन को ऑक्सीजन एप्रोप्रिएट अमाउंट में मिल जाता है, ठीक है। और मिक्स वाले में क्या होता है कि ऑक्सीजन निकालने निकालने में उतना ऑक्सीजन नहीं निकल पाता जितना ऑर्गन्स को चाहिए, तो मिक्स सर्कुलेशन इज नॉट दैट मच एडवांटेजियस बिकॉज इट डज नॉट गिव sufficient amount of oxygen to the body organs. So basically हमने अपने
जो भी छोटे ऑर्गेनिजम्स थे उनके बारे में सारे बेसिक्स क्लियर कर लिए। अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो हैंड रेस कर दीजिए, तब हम अपने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पे आए। चलिए, मोर देन 20 स्टूडेंट्स ने हैंड रेस कर लिया, ठीक है, पुट योर हैंड्स डाउन बच्चों। इतने बच्चे तो हमको हैंड रेस कर दो तो मैं पूर्ण बहुमत से एकदम क्लास में सरकार बना दूंगा। सो क्लास, अच्छा सिमरन आप, अच्छा ठीक है ओके क्लास। अब आप लोगों को एक छोटा सा चीज, जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मेन ऑर्गन है या मेजर ऑर्गन है वो हार्ट है आपका, और जो हार्ट को सपोर्ट कर रही है मतलब टिश्यूज जो है जो हार्ट के फंक्शनिंग में उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वो है ब्लड और ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो योर सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ हार्ट एज अ मेजर ऑर्गन एंड ब्लड ब्लड वेसल्स एज अ टिश्यूज। तो ये तीन चीजें मिलके आपका पूरा सर्कुलेशन कंप्लीट कराती हैं। तो इन तीनों में सबसे पहले हम ब्लड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ब्लड क्या है, कैसा होता है, किस तरीके से वर्क करता है, फंक्शनिंग क्या करता है इन डिटेल, क्योंकि हमने ब्लड का काफी पोर्शन कहाँ पर एनिमल टिश्यूज में छोड़ दिया था जो कि हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद टू और थ्री चैम्बर्ड वालों में आर्टरीज और वेन्स। हाँ, आर्टरीज का मतलब ब्लड को ले जाना, इससे मतलब नहीं है कि वो कैसा ब्लड लेके जा रहा है। अगर उसको ऑक्सीजनेटेड मिलेगा ऑक्सीजनेटेड लेके जाएगा, डिऑक्सीजनेटेड मिलेगा वो होंगे, ठीक है श्रेयांस। ओके सो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू बिगिन विद द ब्लड, लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके सो फंक्शन देख लेते हैं ब्लड से पहले। चलो पहला काम क्या है, क्या है बच्चों ब्लड का या सर्कुलेटरी सिस्टम का? न्यूट्रिएंट की सप्लाई, एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज, ऑक्सीडेशन और टिश्यू कंपोनेंट्स की सिंथेसिस। ये सब चीजें आपको पहले से भी पता है कि ब्लड न्यूट्रिएंट को भी कैरी करता है, कई जगह से एब्जॉर्प्शन की रिक्वायर्ड होती है तो ब्लड एब्जॉर्ब भी कर लेता है चीजों को कुछ चीजों को स्टोर भी कर सकता है अपने अंदर कुछ समय के लिए, ऑक्सीडेशन वगैरह की प्रोसेसिंग करा सकता है, ये ऑक्सीजन है ही इसके पास, और टिश्यू कंपोनेंट्स के लिए जो टिश्यू के लिए कंपोनेंट्स चाहिए वो कंपोनेंट्स भी पहुंचा सकता है। दूसरा चीज है, ये सिर्फ अच्छी चीजें ही नहीं कैरी करता है, आपके वेस्ट मटेरियल्स भी कैरी करता है जो कि आपके बॉडी मेटाबॉलिज्म के थ्रू प्रोड्यूस होती है। वेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट मतलब ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट, एंड मेन वेस्ट इज नाइट्रोजिनस वेस्टेज। इनको भी क्या करता है, कैरी करता है, कैरी करके एक्सक्रीशन तक मतलब किडनी तक पहुंचा देता है ताकि किडनी इसको फिल्टर आउट कर ले। न्यूट्रिएंट और वेस्ट प्रोडक्ट के अलावा ये गैसेस को भी ट्रांसपोर्ट करता है जिसके बारे में अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, ऑक्सीजन को डिफरेंट टिश्यूज और पार्ट तक पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यूज से लेकर के लंग्स को दे देता है ताकि उसको एक्सहेल कर दिया जाए। नेक्स्ट है, हाँ, इट कैरीज मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स। जो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि किसी कंपोनेंट, कोई एक कंपोनेंट है, ठीक है, उसने कन्वर्ट होके बी बनाया, उसने कन्वर्ट होके बी बनाया और इस बी की जरूरत किसी दूसरे ऑर्गन ऑर्गन या कंपोनेंट्स को है, तो इस बी को ले जाकर सी के पास देने का काम भी ब्लड ही करेगा, ठीक है। मतलब ये है कि अगर मुझे कुछ चाहिए, अगर मुझे किसी का बनाया हुआ प्रोडक्ट चाहिए तो बनाया हुआ प्रोडक्ट लाने का भी काम कौन करेगा, ब्लड ही करेगा, ठीक है। तो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट जो बनते हैं उनको भी कैरी करता कौन, ब्लड ही है। एक तरीके से आप लोग जानते ही होंगे कि भाई मैंने रिएक्शन करके कुछ बनाया, अब जो बना है उसका काम कहीं और है तो लेके कौन जाएगा उसको, ब्लड ही लेके जाएगा ना, वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स। हॉर्मोन्स के बारे में बता ही दिया गया है कि ये क्या करते हैं, हॉर्मोन्स वगैरह को भी कैरी करते हैं उनके टारगेट ऑर्गन्स या टिश्यूज तक।
ये यहां तक पॉइंट्स एकदम जेन्युइन है, और ये वाला पॉइंट जबरदस्ती बनाया गया है। जब न्यूट्रिएंट वगैरह सप्लाई कर रहा है तो जाहिर सी बात है वाटर भी करेगा, आयंस भी करेगा, केमिकल सब्सटेंस भी करेगा, तो दैट दिस थिंग इज कैन बी इंक्लूड इन द पॉइंट नंबर वन। सो वी हैव गॉट लेस और मोर द कंसेप्ट, हम वो कंसेप्ट पा गए जो मतलब हमको पहले से ही ऑलरेडी पता है कि भाई ब्लड ये चीजें क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो उसमें तीन चीजें याद रखिए मेन, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट आयंस, केमिकल्स, ये सारी चीजें। दूसरा वेस्ट प्रोडक्ट भी कैरी करता है, तीसरा क्या है आपके रेस्पिरेटरी गैसेस भी कैरी करता है। ये तीन चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर हॉर्मोन्स वगैरह भी आ जाएंगे, इस तरह से देख लीजिएगा आप लोग। इसके बारे में कुछ और चीजें जो हमारे अंदर है, आर्टरीज के बारे में तो मैं आप लोगों को बाद में ही बताऊंगा, ये सारे टर्म्स आप लोगों को बाद में बताए जाएंगे जब मैं आर्टरीज, वेन्स या ब्लड का सर्कुलेशन पढ़ाऊंगा उस टाइम पे, ठीक है? अभी नहीं बताऊंगा, अभी सिंपली हम ब्लड स्टार्ट करते हैं। सो क्लास, एज वी ऑल नो दैट फ्रॉम द टिश्यू पार्ट दैट ब्लड इज द ओनली टिश्यू, स्पेशल कनेक्टेड टिश्यू विच लैक्स एनी फाइबर, एंड दैट इज द ओनली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर लिक्विडिटी मेंटेन होती है बिकॉज ऑफ वाटर लाइक कंपोनेंट नोन एज प्लाज्मा, एंड इट ऑल्सो कंपोज ऑफ सेवरल सॉलिड सेल्स विद इन देम, एंड दैट सॉलिड सेल्स और सेल्यूलर कंपोनेंट्स आर नोन एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। दिस फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, आरबीसी और एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट, एंड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। तो आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं बच्चों, WBC को हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। सो दिस इज हाउ वी हैव डिफरेंट डिफरेंट सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग विद इन आवर बॉडी। तो ये सारी चीजें हो गई। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस प्लाज्मा हियर। WBC को ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ओके, प्लाज्मा के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे बच्चों। प्लाज्मा के बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे हम। तो प्लाज्मा जो है ज्यादातर तो लोग ऐसा कहते हैं कि बिल्कुल कलरलेस होता है, नहीं, वो बहुत हल्का सा येलो कलर शो करता है, ठीक है? मतलब व्हाइटिश ही होता है लेकिन बहुत स्लाइट येलो कलर उसमें होता है, जिसको हम स्ट्रॉ कलर भी बोल सकते हैं, ठीक है? और ये हाईली विस्कस फ्लूइड होता है। विस्कस मतलब जिसमें ल्यूब्रिकेशन टाइप की चीजें पाई जाए। प्लाज्मा में आपका प्लाज्मा जो है वो ब्लड का 55% कंस्टिट्यूट करता है, और उस 55% प्लाज्मा में 90% क्या होता है, पानी ही होता है, ठीक है? और जो 90% के ऊपर 7 to 8% या 6 to 8% जो है वो प्रोटीन्स होते हैं, बाकी रिमेनिंग 2% अदर कंपोनेंट्स हो सकते हैं, आयन, सॉल्ट, न्यूट्रिएंट्स और बाकी सारे केमिकल्स वगैरह पाए जा सकते हैं। तो प्लाज्मा के बारे में क्या है कि प्लाज्मा बिल्कुल फ्लूइड होता है या लिक्विड पार्ट होता है, और ब्लड का 55% यही कंस्टिट्यूट करता है, और उस क्योंकि इस ये लिक्विड ही होता है, इसका मतलब इसके अंदर पानी ज्यादा है, और पानी का जो कंपोनेंट है वो अराउंड 90% है इनके अंदर, और 6 to 8% जो है वो क्या है, प्रोटीन्स है। तो अब बच्चों छोटी सी एक कॉमन सेंस वाली बात है कि ब्लड में जितनी भी चीजें, लिसन, ब्लड में जितनी भी चीजें मिक्सिंग फॉर्म में जा रही हैं, एक्सेप्ट फॉर गैसेस, गैसेस को छोड़ दिया जाए तो जितनी भी चीजें मिक्स्ड फॉर्म में जा रही हैं वो सब प्लाज्मा ही एक्चुअली में मिक्स कराता है। क्यों? क्योंकि पानी का कंपोनेंट तो यही है ना, सॉल्युबिलिटी किसके अंदर है, वाटर के अंदर है, वाटर किसके पास है, प्लाज्मा के पास है। तो जितनी भी चीजें पानी में मिक्स होकर के जा रही हैं, ब्लड में मिक्स होकर के जा रही हैं, वो सब को एक्चुअल में कौन मिक्स कर रहा है, प्लाज्मा मिक्स कर रहा है अपने अंदर। हाँ सुमित बताइए। यस
जी सुमित बताइए। खाली खाली बताओ, सर टॉर्क का मरम थोड़ा। सुमित कौन है? पता नहीं क्या पूछ रहा है। आई डोंट नो। हाँ तुमको सुमित है क्या कोई क्लास में बच्चों? है क्या? नहीं तो कहां से आ गया? वो मुझसे टॉर्क पूछ रहा है, बताइए। 11A2 नहीं, लेफ्ट तो मैंने किया उसको, मुझे भी लगा कोई फेक नेम है। इट्स ओके। ओके बच्चों देखिए, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में बच्चों क्या है? तीन प्रोटीन्स हैं। तीनों प्रोटीन्स के अपने स्पेसिफिक फंक्शंस हैं और ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला प्रोटीन होता है बच्चों, अच्छा यहां से उल्टा दिया है, पहले ग्लोबुलिन होता है, एल्ब्यूमिन होता है, खैर पहले फिब्रिनोजेन के बारे में जान लेते हैं। फिब्रिनोजेन का काम क्या है? ब्लड क्लॉट में हेल्प करना। देखिए बच्चों, ब्लड को क्लॉट कराने के लिए 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड इन दीज 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है, एक का फंक्शन अननोन है। तो आइडियली अभी 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो हमको नोन है, जो हमको पता है, उन 12 में से एक फाइब्रिनोजेन भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या कहते हैं कि ये भी क्या है, क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है। लेकिन ये एकदम इंपॉर्टेंट वाले स्टेप में जाके पार्टिसिपेट करता है। जब हम ब्लड क्लॉटिंग समझाएंगे तो उसमें आप लोगों को फाइब्रिनोजेन का फंक्शन समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिक्स्थ नंबर, और बाकी बच्चे तो हैं। हाँ आकांक्षा बताइए। सर बोल रहा है कि 13 फैक्टर जो होता है मतलब क्लॉट क्लॉट करने के लिए, तो उसमें से कौन सा फैक्टर है जो जो अननोन है अभी तक? सिक्स्थ फैक्टर, हाँ फैक्टर नंबर सिक्स, यही पूछना था। हाँ, ये तो बता नहीं है आप कि सही है कि गलत। अच्छा मैंने देखा नहीं होगा, सिक्स फैक्टर ही है वो, फैक्टर नंबर सिक्स इज अननोन। हाँ अभी देखा मैंने। ओके ओके ओके, सिक्स फैक्टर इज अननोन एंड वो मैं अभी क्लॉटिंग फैक्टर्स जब बताऊंगा तो उसमें हर चीज आप लोगों को डिस्कस करूंगा कि कौन सा फैक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है एंड देन वी विल इजिली अंडरस्टैंड क्या चीज होती है। नहीं तो फिब्रिनोजेन बेसिकली हेल्प्स इन ब्लड कोगुलेशन और क्लॉटिंग। नेक्स्ट इज ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो होता है बच्चों, ये पैथोजन से फाइट करता है, ठीक है, तो एक तरह की इम्यूनिटी है। तो इट हेल्प्स इन डिफेंस मैकेनिज्म और फाइट अगेंस्ट इंफेक्टिव एजेंट्स। ये आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट जो पैथोजन्स होते हैं उनसे क्या करता है, फाइट करता है। और एल्ब्यूमिन जो होता है वो ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाकर रखता है। ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब है टिश्यू के अंदर जो वाटर और सॉल्ट का कंसंट्रेशन है और ब्लड के अंदर जो वाटर सॉल्ट का कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन रखना, ठीक है। कहीं पर हाइपर ऑस्मोलैरिटी नहीं होनी चाहिए और कहीं पर हाइपो ऑस्मोलैरिटी नहीं होनी चाहिए।
हाइपो मतलब कहीं पे वाटर ज्यादा और सॉल्ट कम नहीं होना चाहिए, और हाइपर का मतलब कहीं पर वाटर कम और सॉल्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अभी आप लोगों ने एक्सक्रीशन नहीं पढ़ा है ना। चलो, हाइपर और हाइपो तो पता होगा। ट्रॉमा, ट्रॉमा का भी यहाँ पे क्या काम है? हालांकि ट्रॉमा नर्वस सिस्टम की बीमारी है, बट कभी कभी ट्रॉमा जो होता है वो बर्निंग और इंजरीज, हैवी इंजरीज पे भी बोला जाता है, बट इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं हम लोग। एल्ब्यूमिन, अभी हम पूछ रहे हैं कि एल्ब्यूमिन जो है वो हाइपो ऑस्मोलैरिटी और हाइपर ऑस्मोलैरिटी में क्या फर्क होता है, और एल्ब्यूमिन का क्या काम होता है हाइपो हाइपर को मेंटेन करने। जैसे मान लो ये टिश्यू का फ्लूइड है, ये हाइपो है, और भी ब्लड का फ्लूइड है, ये हाइपर है, तो इन दोनों में बेसिक फर्क क्या है, या अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा आपकी बॉडी में? अगर तुम्हारी बॉडी में ऐसा हो गया तो क्या होगा बताइए। हाँ श्रेयांश, ठीक है निशांत। हाइपो डिक्रीज इन लेवल ऑफ ब्लड, हाइपो में सेल्स वेल्स हो जाएंगे। अच्छा स्नेहा, सेल बस्ट हो जाएगा। कौन सा सेल? मेंटेन वाटर। हाइपर में सेल श्रिंक हो जाएगा। अच्छा हाइपर में सेल श्रिंक हो जाएगा। इसके अलावा अंजलि, चलिए बच्चों हाइपो में वाटर कंसेंट्रेशन हाई हो जाएगा और हाइपर में सॉल्ट का कंसेंट्रेशन हाई हो जाएगा। बच्चों देखो, कभी भी हाइपर और हाइपो का अगर इम्बैलेंस बन रहा है तो इसका मतलब सिंपली क्या होता है, हाँ इसका मतलब क्या होता है कि जिस तरफ हाइपो है और जिस तरफ हाइपर सॉल्यूशन है या हाइपर ऑस्मोलैरिटी है, तो हाइपो में पानी ज्यादा होता है, जिसके वजह से वो पानी क्या करता है, हमेशा हाइपर की तरफ होता है। वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो जहां पानी का कंसंट्रेशन कम है, वाटर हमेशा उसकी तरफ मूव करने लगता है, तो हाइपो वाला श्रिंक कर जाएगा और हाइपर वाला क्या हो जाएगा, हाँ और हाइपर वाला क्या हो जाएगा, वहां पर स्वेल कर जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? हैंड रेस तो कर दो। अब बच्चों, हाँ ठीक है, पुट योर हैंड्स डाउन एवरीवन। ठीक है बच्चों, अब एक बात आप खुद ही बताइए, तुम्हारे अंदर अगर कहीं पर हाइपो और हाइपर कंडीशन मेंटेन हो जाए अचानक से, तो तुम्हारे टिश्यू का फ्लूइड ब्लड में आ जाएगा, तो ब्लड वेसल्स बस्ट कर जाएंगी। ठीक है, या अगर उल्टा कंडीशन हो गया तो सारा का सारा ब्लड टिश्यू में आ जाएगा, तो टिश्यूज बहुत स्वेल कर जाएंगी। दोनों ही कंडीशन में खतरा है, तो टिश्यू का भी फ्लूइड मेंटेन करना है और ब्लड का भी, तो इसमें एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है दोनों का, दोनों के फ्लूइड्स का जो प्रेशर लगता है एक दूसरे के खिलाफ, वो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, और ये काम करता कौन है, एल्ब्यूमिन काम करता है। अब मैं छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग को देता हूँ, हालांकि मैंने हो सकता है क्लास में बताया हो, बट स्टिल आई जस्ट वॉन्ट टू गिव एग्जाम्पल। कभी कभी जब हम सो के उठते हैं या बहुत चल लेते हैं या कोई हैवी एक्टिविटीज कर लेते हैं, तो टिश्यूज स्वेल कर जाती है। आप जब सो के उठो कभी कभी बहुत ज्यादा, तो आपका चेहरा थोड़ा सा या आंखें थोड़ी सी स्वेल स्वेल से लगती हैं, आपको लगता है कि आप दूसरे ब्रह्मांड से आ गए हैं या एलियन स्पीसीज टाइप के लगते हैं। ऐसा होता है? हाँ हाँ
नहीं होता, आकांक्षा के साथ और बुरा होता है, स्नेहा निषाद सर सर कभी कभी, ठीक है। हाँ, किसी को कुछ पूछना है हैंड रेस कर सकता है, दूसरे को देखते हैं खुद पर नहीं। शाबाश, इसको कहते हैं, वो पता है ना कि कैसा दिखेंगे हम लोग, तो इसलिए अपने आप को नहीं देखते हैं, पहले देख चुके होंगे इस वजह से। तो बच्चों, कहने का मतलब यही है कि जब तुम ज्यादा सो लेते हो तो टिश्यूज पे ज्यादा जब प्रेशर पड़ जाता है एक जगह से, तो वहां टिश्यूज के अंदर फ्लूइड का कंसेंट्रेशन बढ़ने लगता है। टिश्यूज के अंदर जब फ्लूइड का कंसेंट्रेशन बढ़ता है तो वो टिश्यूज क्या होती है, स्वेल कर जाती है। हाँ आकांक्षा बताइए। सर, हम ज्यादा सोए ही नहीं है, आप लोग चैन से सोने ही नहीं देते हैं कि आग फूले मेरा। काश तो मेरे सामने होती, मैं थोड़ी सी बेइज्जती कर पाता तेरी। कोई बात नहीं, सो लेना, ठीक है। क्लास के बाद जितना दिल करे सो लेना, 2:30 बजे तक ही तो क्लास, आई थिंक। सो उसके बाद, हम तो होमवर्क भी नहीं देते बिल्कुल कुछ भी, ऐसा सिर्फ जो पढ़ाते हैं वही कहते हैं रिवाइज कर लो, अभी भी कर सकते हैं। हाँ, तुम लोग की मर्जी है। अच्छा, बेइज्जती हो तो नहीं, अभी नहीं करेंगे, ऑनलाइन में अच्छा नहीं लगता ऐसे, क्योंकि आप लोग पेरेंट्स के सामने बैठे हो तो आप लोग की इज्जत हमारी इज्जत है, कभी भी हम पेरेंट्स के सामने किसी बच्चे की बेइज्जती नहीं करते। आप लोग के क्लासमेट्स के सामने कर लेंगे वर्चुअल बेइज्जती, नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है पेरेंट्स की नजर में एक बच्चे का बहुत इज्जत होना चाहिए, ठीक है, हो चाहे ना हो लेकिन होना चाहिए, क्योंकि आप जिस स्टेज में पहुंच गए हैं अब आप एकदम बच्चे नहीं है कि पेरेंट्स पेरेंट्स के नजर में थोड़ा सा वैल्यूड बनिए आप, क्वालिटी वाले मतलब इज्जत वाला बच्चा। हम नहीं करते कभी, हम कभी किसी बच्चे की बेइज्जती पेरेंट्स के सामने नहीं करते, उसके मुंह पे करेंगे अगर हमको बुरा लगा तो। हाँ, आपके पेरेंट्स करेंगे तब भी हम नहीं करेंगे। हाँ वो भी सही। खैर खैर बच्चों, खैर सुनो 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 सुनो, अब हम बेइज्जती से हटते हैं और ये बताते हैं आपको कि हमारे जो टिश्यूज हैं बच्चों, कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है कि ऑस्मोलैरिटी बिगड़ जाती है, जिससे ब्लड का थोड़ा बहुत फ्लूइड टिश्यूज में आकर एक्यूमुलेट हो जाता है, तो ज्यादा चलने की वजह से, टिश्यूज पे ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से वहां पर क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसकी वजह से आपकी स्वेलिंग दिखने लगती है, वहां पर एल्ब्यूमिन का कंटेंट एक्चुअली में घट गया होता है। तो जब अगर ये कंडीशन प्रोलॉन्ग हो जाए, मतलब ज्यादा टाइम के लिए हो जाए, तो वहां पर डॉक्टर्स एल्ब्यूमिन का इंजेक्शन देते हैं जो पेशेंट्स हैं, और जैसे हम लोग और आपके केस में होता है कि ज्यादा सोने से जो स्वेलिंग होती है वो कुछ देर में अपने आप क्या हो जाती है, नॉर्मलाइज हो जाती है। आप 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा इधर उधर टहल लीजिए, घूम लीजिए, थोड़ा फ्रेश हो लीजिए, चाय वाय पी के, सही से होने से तो उतना फर्क नहीं पड़ता, फिर आंखें सही हो जाती हैं, चेहरा वेहरा थोड़ा सा ठीक हो जाता है अपने आप, तो वहां पर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन अपने आप रेगुलेट हो जाता है, मतलब एल्ब्यूमिन अपने आप को कोप अप कर लेता है वहां पर। लेकिन बूढ़े लोगों के केस में ऐसा नहीं होता है, बूढ़े लोगों में अगर नहीं चलना अच्छा है तो क्या है कि बूढ़े लोगों के केस में क्या होता है अक्सर, कि वहां पर जो टिश्यू का फ्लूइड बढ़ा है वो थोड़ा लंबे टाइम के लिए बढ़ जाता है, और लंबे टाइम के लिए बढ़ने से क्या होता है कि एल्ब्यूमिन के इंजेक्शन देने पड़ जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, कल ही मैंने कल या फिर जस्ट लास्ट टू लास्ट टर्न में मैंने आप लोगों से एक चीज कही थी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हम पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था कि प्लाज्मा में बहुत सारे आयन्स वगैरह ऐसे ही घूमते रहते हैं, ठीक है, तभी तो सोडियम और पोटेशियम आराम से जाकर के क्या किसके साथ बाइंड कर लिए थे, बाइकार्बोनेट के साथ बाइंड कर लिए थे, किसके साथ, ये वाले भाई साहब के साथ, ये वाले भाई साहब जाके बाइंड कर लिए थे, तो ये सब घूमते रहते हैं आपस में। एलिफेंटियासिस में नहीं कम होता है एल्ब्यूमिन, एलिफेंटियासिस में श्रेयांश क्या होता है कि जो टिश्यूज होते हैं ना, टिश्यूज में जो जो पैथोजन होता है, पैथोजन बढ़ने लगता है, तो जब पैथोजन किसी टिश्यूज में, एक तो ऑलरेडी सेल और टिश्यू के रहने के लिए जगह नहीं है, उसमें पैथोजन आके अपना घर बनाने लगे, वो ज्यादा एक्यूमुलेट होने लगे, तो अब टिश्यू बेचारा क्या करे, उसको भी जगह देनी है, आपको आपके सेल्स को भी जगह देनी है, तो वो बहुत ज्यादा ब्रॉड होने लगता है। स्प्रेन का केस तो एक्सटेंशन का है,
स्प्रेनिंग इज द एक्सटेंशन ऑफ मसल्स, दैट इज डिफरेंट थिंग। वहां पे जो स्ट्रेचिंग हो जाती है उसके वजह से दर्द होता है बहुत ज्यादा, वो हम मसल्स में पढ़ेंगे। बर्स्ट नहीं होता है इसलिए क्योंकि आपके सेल्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। आपने सेलुलर मॉडिफिकेशंस पढ़े होंगे, तो सेल्स और टिश्यूज के अंदर मॉडिफिकेशंस होते हैं। आपके टिश्यूज ज्यादा वाइडन होने पर भी कोशिश यही करते हैं कि फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा बढ़े, लेकिन बर्स्ट जल्दी नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि पतले नहीं है ना, सब सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से थोड़े बना हुआ है। हाँ लिमिट होता है। हीमोग्लोबिन में बफर क्या होता है, आप इसके लिए ब्लड का पीएच जान लीजिए। तो ब्लड का पीएच स्लाइटली आई थिंक एसिडिक होता है, तो लेस और मोर वही बफर है। सो क्लास एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज सीरम। सीरम बच्चों याद कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए कि अगर किसी प्लाज्मा में इसे क्लॉटिंग फैक्टर हटाते हैं, ब्लड में से नहीं, कहां से क्लॉटिंग फैक्टर कहां से हटा देंगे, प्लाज्मा में से हटा देंगे, तो उसको हम सीरम कहते हैं। कहते हैं ना बहुत सारे डॉक्टर्स कि भाई इनका सीरम चेकअप हो गया, इनके सीरम में से ये कंपोनेंट्स चेक कीजिए। तो वो सीरम क्या होता है, या ब्लड सीरम कई लोग बोल देते हैं, ब्लड सीरम क्या वर्ड है, तो ब्लड सीरम का मतलब है प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। ओके फंक्शन क्या है सीरम का, चेकिंग चेकअप के लिए, जैसे आप ब्लड चेकअप कराते हो सीरम का भी चेकअप होता है, ठीक है। तो डॉक्टर्स वगैरह कई बार सीरम लेते हैं चेकअप करने के लिए, तो ब्लड सीरम्स के से बहुत सारे पैथोजेनिक एक्टिविटीज चेक होते हैं, ठीक है। ओ एक चीज, मैंने सलाइबा का पीएच बता दिया तुम लोग को, ब्लड का, सलाइबा का स्लाइटली एसिडिक होता है, ब्लड का जो होता है वो स्लाइटली बेसिक होता है, अराउंड 7.4 या 3 के अराउंड होता है ऐसे, ठीक है। तो बफर जो है इसका स्लाइटली बेसिक ही होगा क्योंकि इसके अंदर बेसिक कंपोनेंट्स ज्यादा होते हैं। सो क्लास सीरम मीन्स प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। सो रिमेम्बर दिस, क्योंकि अभी आगे आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐसे छोटे छोटे टर्म्स पढ़ने हैं, तो होपफुली आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। एंड लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट, नाउ वी कैन मूव फर्दर इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा आई थिंक हो गया मेरे ख्याल से। फॉर्म एलिमेंट्स में देख लेते हैं। हाँ आकांक्षा कुछ बोलना है क्या? सर एल्बुमिन जो होता है वो बाइंड करता है बहुत सारे सब्सटेंस से, जैसे कि हार्मोन्स होता है या फिर ड्रग से, सर वो क्यों करता है एक बार बताइए ना हमको। एल्बुमिन, यस सर, एल्बुमिन की बाइंडिंग जो भी है, सुनिए, एल्बुमिन जब भी किसी से बाइंड कर रहा है तो एल्बुमिन के बाइंडिंग करने का पर्पस ये नहीं कि वो उसके रिएक्टिविटी में हेल्प करेगा या उसके कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन में हेल्प करेगा। एल्ब्यूमिन किसी से बाइंड तभी करेगा जब उसको कहीं से कहीं जाना है, उसको एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना है तो वो बाइंड फॉर्म में जा सकता है, क्योंकि बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ प्रोटीन, वो प्रोटीन है, प्रोटीन किसी से बाइंड करके कहीं भी पहुंचना चाहता है, या सेल के अंदर पहुंचना चाह रहा है, ब्लड ब्लड के अंदर पहुंचना चाह रहा है, तो बाइंडिंग उसकी तभी होगी जब वो कहीं पर ट्रांसपोर्ट होना चाहता है, ठीक है। तो वो एक तरीके का कैरिंग इंस्ट्रूमेंट बना इसके साथ भी वो बाइंड हो रहा, ठीक है। सीरम का फंक्शन अंशु बाला, देखिए पैथोजेनिक टेस्ट में होता है, आप कभी भी अगली बार कभी भी जाएं ब्लड चेक कराने या फिर ऐसा कराने, तो आप पूछिएगा उन लोगों से कि क्या सीरम भी चेक करते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर कई जगह, जब आप पैथो, आपने कभी रिपोर्ट वगैरह पढ़ी है तो ब्लड सीरम का भी रिपोर्ट होता है उसमें, उसकी भी एक क्वांटिटी है। तो उस सीरम क्या है, आप या आपने कई बार नाम सुना होगा मेरे ख्याल से सीरम, ठीक है। जितने भी ये पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वहां पर सीरम का जरूरत होता है, हाँ। और अगर आपको प्योर फॉर्म में अगर प्लाज्मा को जानना है, ठीक है, कि प्लाज्मा में क्या चीजें हैं, सफिशियंट है कि नहीं है, तो आप सीरम लेकर के अच्छे से जान सकती हैं। सो बच्चों, नाउ फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स,
एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स. एरिथ्रोसाइट मींस आरबीसी, ल्यूकोसाइट मींस डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तो ऑब्वियसली थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, आप लोग जानते हैं. और ये ब्लड का 45% क्या करते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं. देखो पुलकित ने कहा कैप्टन अमेरिका को सीरम दिया गया था, शाबाश. देखो पुलकित ने सीरम का नाम कहीं से तो याद रखा है, चलो ठीक है. ठीक है, सीरम का मतलब ही है कि ब्लड को फिल्टर करके उसका कुछ कंपोनेंट दे देना. वो कंपोनेंट क्या है, वो प्लाज्मा कंपोनेंट है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आरबीसी. आरबीसी को बहुत अच्छे से समझिएगा बच्चों, कुछ पार्ट्स हम आरबीसी के डिस्कस करेंगे और कुछ जो यहां पर है कुछ पार्ट्स नहीं भी है उसको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. सो आरबीसी बेसिकली क्या है, आपकी बॉडी में 5 से 5.5 मिलियन तक प्रेजेंट होता है मेल्स के अंदर, और फीमेल्स में 4.5 मिलियन तक अराउंड में होता है, बच्चों में अराउंड 6.7 मिलियन तक होता है. ठीक है, मैं बताऊंगा बच्चों में ज्यादा क्यों होता है, फीमेल्स में कम क्यों होता है, और हमारे अंदर या मेल्स के अंदर ज्यादा क्यों होता है. आरबीसी डिवीजन नहीं कर सकता है, सेल डिवीजन नहीं करता है, इसको पैदा किया जाता है. इसको पैदा करने वाला जो है वो रेड बोन मैरो में ये पैदा होते हैं. रीड लिखा है यहाँ पर, रेड बोन मैरो होगा, रेड बोन मैरो में इसको पैदा किया जाता है. रेड बोन मैरोज के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम हीमोपोएटिक सेल्स कहते हैं. So these hemopoietic cells are basically manufactured RBCs and WBCs within the red bone marrow. अब बच्चों यहाँ पर लिखा है कि RBC में nucleus absent होता है. तो RBC में nucleus भी absent होता है और साथ ही साथ mitochondria भी absent होता है, ये भी याद रखिएगा. ठीक है, nucleus इसलिए absent होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा space hemoglobin को दिया जा सके और ज्यादा से ज्यादा amount में oxygen travel हो सके blood के अंदर. न्यूक्लियस रहेगा तो सारा जगह वही घेर लेगा. अब न्यूक्लियस सारी जगह घेर लेगा तो हीमोग्लोबिन को क्या जगह मिलेगी, तो ऑक्सीजन कहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा. इसीलिए न्यूक्लियस नहीं होता है ताकि हीमोग्लोबिन को पूरा स्पेस दे दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो सके. और माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए नहीं होता है बच्चों क्योंकि अगर माइटोकॉन्ड्रिया आ गया और सेल में उसको इतना ज्यादा ऑक्सीजन मिल गया तो माइटोकॉन्ड्रिया सारे ऑक्सीजन को कंज्यूम करके एटीपी बनाने लगेगा. तो जब अपने सेल का माइटोकॉन्ड्रिया सारा ऑक्सीजन खा जाएगा तो आप ब्लड बॉडी टिश्यूज को क्या पहुंचाओगे. मतलब कहने का यह है कि अगर घोड़े को ही घास की रखवाली करने के लिए दे देंगे तो फिर आप आएंगे तो मिलेगा क्या, साफ मैदान मिलेगा फिर. तो माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन दोनों को एक साथ साथ रख दो और कह दो माइटोकॉन्ड्रिया कि तुमको सेफली ऑक्सीजन पहुंचाना है. माइटोकॉन्ड्रिया पहुंचाएगा कभी, वो तो ऑक्सीजन का दुश्मन है, जैसे ही ऑक्सीजन देखेगा तुरंत यूटिलाइज कर देगा. ठीक है, तो आपके अंदर हाँ मैं बता रहा हूं, आपके अंदर जो आरबीसीज होते हैं वो इकलौते ऐसे सेल्स हैं जो परमानेंट एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. मतलब बिना ऑक्सीजन के हेल्प के एनर्जी यूटिलाइज करते हैं. एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी का अमाउंट कम होता है लेकिन आरबीसी उससे अपना काम चला लेते हैं. हाँ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं इसमें थोड़ा, बट इट्स ओके, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा. ठीक है, सो क्लास द शेप ऑफ द आरबीसीज इज बाइकॉनकेव. बाइकॉनकेव शेप में होता है, न्यूक्लियस के नहीं होने की वजह से बाइकॉनकेव हो जाता है, अदरवाइज ये ओवल या सर्कुलर ही होता. रेड कलर इसका इस वजह से होता है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन माना जाता है. 15 ग्राम तक हीमोग्लोबिन माना जाता है एक 100 ml के ब्लड में. इसका नाम एरिथ्रोसाइट क्यों है, एरिथ्रो जो वर्ड है ना ये पिगमेंट से लिया गया है. एरिथ्रो वर्ड रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है. कभी भी फाइकोएरिथ्रिन या एरिथ्रोपोएटिन, एरिथ्रो का मतलब होता है रेड से,
ठीक है, तो ये इसका जो अपियरेंस है वो रेडिश करके है, इस वजह से एरिथ्रो वर्ड इसके साथ जोड़ दिया गया है, ठीक है, लाल तरह के सेल्स या लाल दिखने वाले सेल्स। सो स्टूडेंट्स, 120 दिन आरबीसी जिंदा रहता है एक ह्यूमन में, एरिथ्रो मींस तो डिक्रीज मतलब होता है, नहीं नहीं डिक्रीज का मतलब कुछ और होता है, मैं बताता हूँ उसको। देखिए बच्चों, लाइफ स्पैन इसकी आरबीसी के 120 दिन होती है। आरबीसी स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय होता है, स्प्लीन को इसीलिए ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, और आरबीसी का काम क्या है, रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई है बच्चों, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिटेल में बताना चाहता हूँ, पहले मैं देख लूं कि यहाँ पर। हाँ निशान, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, ओके ठीक है, मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, देन एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर आगे डिटेल दिया हुआ है तो उसको डिस्कस करेंगे, नहीं दिया हुआ है तो मैं अपनी तरफ से ही बताऊंगा आप लोगों को कुछ। एक मिनट आकांक्षा, बस एक मिनट, नहीं दिया है, मैं बताता हूँ आप लोगों खुद से कुछ और डिटेल्स। हाँ आकांक्षा सर, आप ये बताने वाले थे कि जो ब्लड होता है वो फीमेल में क्यों कम होता है और हाँ मेल हाँ में। वो भी बताऊंगा मैं, जब हीमोग्लोबिन डिस्कस करूंगा उस टाइम बताऊंगा, ठीक है बच्चों। देखिए कुछ चीजें जो इसमें हमको और बतानी है एडिशन इन एन एडिशन, वो क्या क्या है। सबसे पहले आपके अंदर अगर आरबीसी का साइज बड़ा हो गया, ठीक है, तो मैक्रोसाइट्स बोलते हैं उनको, ठीक है। अगर आपका आरबीसी का साइज एबनॉर्मली क्या हो गया है, बड़ा हो गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैक्रोसाइट बोलते हैं। अगर आरबीसी आपके अंदर कम हो गया है तो उसको हम एरिथ्रोसाइटोपीनिया कहते हैं, आरबीसी का क्या हो जाना, कम हो जाना, मैक्रोसाइट आरबीसी का साइज में बड़ा हो जाना होता है, ठीक है। तो एरिथ्रोसाइटोपीनिया में आरबीसी का अमाउंट कम हो जाता है, जिसके वजह से आपके अंदर ऑक्सीजन भी क्या हो जाता है, कम पहुंचता है। हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी का सबसे मेन कंपोनेंट है, हीमोग्लोबिन दो चीज से बनता है, एक आयरन से बनता है और एक प्रोटीन से बनता है। जो इसका प्रोटीन पार्ट है वो चार पॉलीपेप्टाइड चेन कंसिस्ट करता है, फोर पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। इस फोर पॉलीपेप्टाइड चेन में एडल्ट्स के अंदर अलग तरह का पॉलीपेप्टाइड होता है और बच्चों के अंदर अलग तरह का पॉलीपेप्टाइड होता है। जो बच्चों के अंदर ये प्रोटीन पार्ट होता है उसको उसके अंदर ऑक्सीजन की कैपेसिटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है बच्चों के अंदर, बेबीज के अंदर, ठीक है। और हमारे अंदर जो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड है इनके अंदर ऑक्सीजन की कैपेसिटी थोड़ी कम है, मतलब ऑन एन एवरेज है, मॉडरेट लेवल है, लेकिन बच्चों के अंदर ज्यादा होता है। बच्चों को ऑक्सीजन ज्यादा क्यों चाहिए, इसी क्वेश्चन में आपके उस आंसर उसका आंसर भी छुपा है कि बच्चों में ज्यादा क्यों होता है ब्लड या आरबीसी ज्यादा क्यों होते हैं। पॉलीसाइथीमिया आरबीसी के बढ़ जाने को बोलते हैं, आरबीसी के नंबर में बढ़ जाने को बोलते हैं, पॉलीसाइथीमिया जो होता है वो आरबीसी के नंबर में बढ़ जाने को बोलते हैं। हालांकि इट इज नॉट अ डिजीज, इट इज जस्ट अ कंडीशन, जबकि मैक्रोसाइट और इथ्रोसाइटोपिनिया इज अ डिजीज टाइप कंडीशन। एक नंबर में बढ़ रहा है और एक साइज में बढ़ रहा है। तो बच्चों अगर आप बताइए बच्चों को ऑक्सीजन क्यों चाहिए, छोटे बच्चों में ऑक्सीजन इतना क्यों जरूरी है, जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में ही आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सर डेड आरबीसी कैसे बाहर निकलते हैं बॉडी के? देखो पुलकित, क्या होता है कि जब आरबीसी मर जाते हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करके बाइल बना दिया जाता है, और बाइल को लीवर के थ्रू कहाँ भेज दिया जाता है, आपके इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से वो आपके सॉलिड एक्सक्रीटा के साथ निकल जाता है। तो आरबीसी फाइनली आपके सॉलिड एक्सक्रीटा के साथ ही बाइल फॉर्म में निकलता है।
ग्रेटर ग्रोथ, फिजिकल एक्टिविटीज, ग्रोथ ग्रोथ मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है। स्नेहा क्या कह रही है, मंतशा क्या, चाइल्ड इसलिए ऑक्सीजन चाहिए बिकॉज लंग्स लगा, और स्नेहा वो फूड नहीं लेते ज्यादा, अच्छा चिल्ड्रंस को, अच्छा ठीक है बच्चों। एक्चुअली क्या है, हाँ रितु बताइए कुछ कहना चाह रही है। सब बेबीज को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि उनको मतलब कि जो लंग्स का या फिर हार्ट का जो प्रॉब्लम होता है उसका स्लो डाउन हो जाता है, उनका जो ग्रोथ का एक्टिविटी है वो भी स्लो हो जाता है, उसकी वजह से उनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है। फास्ट हो जाता है, ग्रोथ की एक्टिविटी ज्यादा फास्ट हो जाती है। फास्ट हो जाता है। हाँ उनके अंदर ग्रोथ हो रहा है ना, ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, हाइट बढ़ रही है, आपकी तो हाइट रुक गई ना, यस उनके अंदर बढ़ रही है। देखिए बच्चों, छोटे बच्चों के अंदर अगर आप देखें, उनको एक ग्लास दूध पिला करके छोड़ दो, वो सुबह से लेके शाम तक घूमते रहते, टहलते रहते, भागते रहते हैं। आप उसका अगर 30% भी भाग लोगे ना, उनका उसका एरिया देखो ना, इतनी छोटी सी बॉडी है और भाग रही है इधर उधर इधर उधर उधर, इतना आप भी एक्टिव नहीं हो पाते। क्यों नहीं एक्टिव हो पाते, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी कम है। क्यों एनर्जी कम है, क्योंकि आपके अंदर ऑक्सीजन ही कम पहुंचाया जा रहा है। बच्चों के अंदर एनर्जी बहुत होती है, ये आपने अपने भी बचपन में फील किया होगा। जब भी तुमको याद हो कि तुम छोटे हो तो तुम घर के बाहर ही रहते होगे मोस्ट ऑफ द टाइम, तुमको नहीं पता कि नींद क्या होती है। तुमको पेरेंट्स मार के सुलाते होंगे कि सो जाओ, दोपहर का टाइम है, बाहर मत निकलो, और तुम्हें जिद पड़ी हो नहीं हमें बाहर जाना ही, वो एनर्जी है तुम्हारी। लेकिन अब क्या है, अब पेरेंट्स उठाते रहे, भैया उठ के पढ़ लो थोड़ा सा, नहीं अब तो सोना है, अब तो जिंदगी खत्म ही है समझो। हाँ कहीं पे भी हम मोबाइल, अब बच्चे भी मोबाइल में पड़ गए, लेकिन लेकिन देखिए अब आपके पास, आप खुद फील कीजिए, अब आप में थकान ज्यादा है लेकिन बच्चों में एनर्जी बहुत होती है। हमें भी याद है कि हम जब तक छोटे बच्चे थे, क्लास 6 7 में जहां तक हमको याद है, तो स्कूल से दिन भर पढ़ के आ रहे हैं 1:30 2 बजे, तो भी इतनी एनर्जी रहती थी कि बैट बॉल लेके निकल गए, खाना भी नहीं खाया, ध्यान भी नहीं खाना खाना है कि नहीं, और वहां से खेल के शाम को आ रहे हैं। उसके बाद भी ट्यूशन पढ़ना है, ट्यूशन पढ़ने के बाद भी शाम को पापा को दिखाने के लिए पढ़ना होता है। तो सोचिए, हालांकि मेरे पापा सुन रहे हैं ये बात, बट स्टिल। हाँ तो आप खुद देखिए वो कितनी एनर्जी थी, वो एनर्जी किसके वजह से थी, बिकॉज वी हैव डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन इन अवर हीमोग्लोबिन, एंड सेकेंड वी हैव मोर नंबर ऑफ आरबीसीज, ज्यादा आरबीसी मतलब ज्यादा हीमोग्लोबिन, ज्यादा हीमोग्लोबिन मतलब ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन मतलब ज्यादा एनर्जी, इसीलिए बच्चों में ऑक्सीजन और एनर्जी का कंटेंट ज्यादा होता है। लेकिन ये एनर्जी किसके लिए, और जरूरी भी है, देखो कभी भी कोई मसल ग्रोथ अगर चाहिए तो मसल्स को मूव कराना पड़ेगा, लोकोमोशन, ठीक है, तो बच्चे इसीलिए मूवमेंट बच्चों का बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चों को हम लेस और मोर क्या कर रहे हैं, हैंडीकैप बनाते जा रहे हैं। क्यों हैंडीकैप बनाते जा रहे हैं, क्योंकि उनका मूवमेंट हमने लेस और मोर एकदम स्लो कर दिया है। अब वो मोबाइल पे बैठे रहते हैं, उनको हिलने नहीं देता, अरे बच्चा जाएगा बाहर गिर जाएगा, ये हो जाएगा, अरे बच्चा गिरेगा नहीं तो उठेगा कैसे, उठेगा नहीं तो संभलेगा कैसे, यहीं से तो स्टार्ट करना है। हाँ कोशिश कीजिए कि चोट बहुत ज्यादा ना आए, लेकिन उसको गिरने दीजिए, वो तो गिरेगा उठेगा तभी मजबूत बनेगा, ठीक है। तो बच्चों को, हाँ व्हाट अबाउट एथलीट्स, एथलीट्स के अंदर, लिसन, एथलीट्स के अंदर भी हीमोग्लोबिन का कंटेंट आपसे ज्यादा होता है, जो स्पेशली जो स्विमिंग वगैरह करते हैं ना, या फिर जो ठंडे एरिया में रहते हैं, उन सब के अंदर हीमोग्लोबिन आपके ज्यादा होता है। क्योंकि जिसको भी एनर्जी ज्यादा चाहिए, भले वो एक्वायर्ड एडाप्टेशन हो उसका या इनहेरिटेड एडाप्टेशन हो, दोनों ही कंडीशन में उसके अंदर हीमोग्लोबिन ज्यादा होना पड़ेगा, ठीक है। तो आप भी चाहें कि कल से आपको अंदर हीमोग्लोबिन बढ़ाना है अपना, तो आप सिंपली क्या कर लीजिए, रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, स्विमिंग स्टार्ट कर दीजिए, तो आपके अंदर भी हीमोग्लोबिन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि बॉडी की डिमांड कितनी है, तो बॉडी की डिमांड के हिसाब से आपके अंदर एनर्जी है, अभी नहीं चाहिए तो नहीं मिलेगी। नेक्स्ट चीज बच्चों जो मैं आपको बताना चाह रहा था इसके बारे में, आरबीसीज के बारे में, हाँ आकांक्षा बताइए। सर, नहाने से हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा?
नहीं, बढ़ेगा। नहाने से जो होता है, आपके नहाना मतलब पर्सनल हाइजीन के लिए इम्पोर्टेंट है, और गर्म पानी से नहाने से टिश्यूज को थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है बस, और हीमोग्लोबिन का इससे कोई लेना देना वैसा खास नहीं है। नेक्स्ट इज, मुझे क्या बताना था, हाँ, औरतों में या लड़कियों में जो आरबीसीस का कंटेंट होता है वो कम इसलिए होता है क्योंकि उनकी जो बॉडी का सरफेस एरिया है, ठीक है, वो एज पर मेल्स कम होता है। जैसे मेल्स के हाइट की भी अगर वो हो गई तो उनकी जो ब्रॉडनेस होती है ना वो बहुत कम होती है, तो उनके बॉडी के हिसाब से जो एक एवरेज फीमेल है, ठीक है, अब मान लो कोई ठीक ठाक सी कोई फीमेल है या एकदम ही पतली कोई फीमेल है कि सर हमें तो इतना भी हीमोग्लोबिन ज्यादा पड़ जा रहा है, तो उनको नहीं, एक एवरेज फीमेल को अगर देखा जाए तो एवरेज फीमेल मेल के मुकाबले हल्की होती है, ठीक है। हाँ देखो, उसने अपने कर लिया, वो हिमालय पे जा रहा है हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। हाँ, हीमोग्लोबिन सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। हाँ सही कह रहा, तो हीमोग्लोबिन आपके बॉडी के सरफेस एरिया पे डिपेंड भी करता है, तो आपका सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू फीमेल्स, तो फीमेल्स में इसीलिए हीमोग्लोबिन कम होता है और मेल्स के अंदर ज्यादा होता है। आरबीसीज के बारे में इफ आई कैन से एनी अदर थिंग और कुछ, हाँ एक और चीज जो आरबीसी में यहाँ पे नहीं लिखा गया है, आरबीसीज जो होते हैं इनके सेल के ऊपर स्पेशल प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो ब्लड ग्रुप बनाते हैं, ये प्रोटीन्स को हम एंटीजन बोलते हैं, ठीक है। तो एंटीजन्स आरबीसी के सरफेस पे मतलब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं, और अलग अलग एंटीजन्स की वजह से या नहीं होने की वजह से हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो चार तरह का बन चुका है, ए बी एंड ओ, ये चार तरह का ब्लड ग्रुप होता है, निशांत, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन। ये कहाँ पहुंच गया निशांत, हमारा ब्लड ग्रुप कैसे पता है? ये मैं अभी पढ़ाऊंगा, ब्लड ग्रुप का टॉपिक अभी अभी हमने डिस्कस नहीं किया, हम डिस्कस करेंगे। हाँ कांक्षा, सर, अभी आप एनीमिया वगैरह के बारे में नहीं बताए हैं। एनीमिया, ठीक है बता देते हैं। देखिए बच्चों, एनीमिया तीन तरह का होता है, एक सिंपल एनीमिया होता है जहां पर हीमोग्लोबिन किसी भी तरह से क्या हो जाए, खराब हो जाए और ऑक्सीजन आपके अंदर कम पहुंचे। दूसरा होता है सिकल सेल एनीमिया, ये क्या होता है, आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आता है, ठीक है, जेनेटिकल डिजीज होता है, इसमें हीमोग्लोबिन सिकल शेप में हो जाता है, सिकल इसको बोलते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना ऐसे खेत वेत में यूज करते हैं इसको, ऐसे करके होता है, ऐसे पकड़ने वाला होता है, उसमें साउथ की फिल्मों में ज्यादा यूज करते हैं इसको, तो क्या बोलते हैं साइड में होता है, सब पकड़ गर्दन काट देते हैं उससे, तो आपका हीमोग्लोबिन वैसा हो जाता है, सिकल शेप में हो जाता है। हाँ हसुआ, हाँ जो भी उसको बोलो, हाफ सी शेप बोल दो, ठीक है। तो ये जो होता है इस तरह का आपका हीमोग्लोबिन हो जाता है, उसकी भी ऑक्सीजन एफिशिएंसी कम हो जाती है। एक और कंडीशन होता है थैलेसमिया, तो अनीमिया या थैलेसमिया सारी कंडीशंस का मेन जो कोर है उसमें हीमोग्लोबिन का या तो कम हो जाना, हीमोग्लोबिन अगर आपकी बॉडी में या तो कम हो गया है या फंक्शन लेस हो गया है, ज्यादा है लेकिन फंक्शन लेस हो गया है, दोनों ही कंडीशन में अनीमिया हो जाता है। तो अनीमिया में क्या होता है बच्चों, आपको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती है बॉडी में, जिसके वजह से आप बहुत जल्दी थकान फील करने लगते हैं, ज्यादा दौड़ फिर नहीं पाते हैं, और इंस्टेंट इसकी कोई थेरेपी या कुछ भी इसका ट्रीटमेंट कराने की जरूरत होती है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में इंसान बहुत दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। ओके, वी हैव, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड लेस और मोर एवरीथिंग अबाउट आरबीसीज। एक और चीज बता देता, हीमोसाइटोमीटर, ये एक मशीन है जिससे हम अपना टीसी काउंट करते हैं, टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट्स, मतलब अगर आपको पता करना है कि हमारे सेल में कितना आरबीसी है, ब्लड में कितना आरबीसी प्रेजेंट है, तो हीमोसाइटोमीटर एक मशीन आती है, उसके हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं। हाँ सर, अगर रेड ब्लड सेल ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? प्लाज्मा कम हो जाएगा, प्लाज्मा पे असर पड़ेगा, सर, कुछ बोन मैरो पे असर नहीं करेगा वो?
नहीं, बोन मैरो पे उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन प्लाज्मा पे असर पड़ेगा, क्योंकि ब्लड का जो मेन एरिया है, कोर एरिया, वो ब्लड खुद है या ब्लड वेसल्स है, और ब्लड वेसल्स में रहने वाली हर चीज इफेक्टेड होंगी, स्पेशली प्लाज्मा होगा। सर इसको बनाता कौन है सर? बनाता बोन मैरो ही है। अच्छा तो दैट इज आई थिंक इनफ अबाउट आरबीसीज। नहीं, अनीमिया को जल्दी ठीक नहीं किया जा सकता। अस्थमा में क्या होता है सर? कल ही तो बताया था पुलकित। अस्थमा में ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स इन्फ्लेमेट हो जाते हैं सर। अगर प्लाज्मा पर इफेक्ट करेगा तो क्या होगा? प्लाज्मा ज्यादा से ज्यादा सॉलिड, मतलब कोलाइडल होने लगेगा, तो प्लाज्मा की सॉलिबिलिटी डिक्रीज होने लगेगी, वहां पर भी इफेक्ट होगा। ठीक है, तो सो दैट इज ऑल अबाउट आरबीसीज। बाय नेक्स्ट टर्न वी विल डिस्कस डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, एंड देन वी विल डिस्कस ब्लड ग्रुपिंग एंड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, ये दो फैक्टर्स कल हम हो सकता है डिस्कस करें, और उसके बाद हार्ट, ब्लड वेसल्स, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे अगले फ्यू टॉपिक्स में। और बच्चों को, किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ, देखो कितनी जल्दी में आकांक्षा। हाँ बाय सर। या यू टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई थिंक, आई डोंट थिंक सो, यू हैव एनी क्वेश्चन? सिद्धार्थ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बुक लंग्स में बुक का मतलब क्या है? सिद्धार्थ, ब्लड कैंसर हम डब्ल्यूबीसी में पढ़ेंगे। सिद्धार्थ, डब्ल्यूबीसी के एब्रप्टली बढ़ने की वजह से ब्लड कैंसर होता है, उसको ल्यूकीमिया बोलते हैं, वो हम कल पढ़ाएंगे आप लोग को। मंतशा ने पूछा बुक लंग्स, बुक लंग्स आर द मिनिएचर ऑफ लंग्स, इसीलिए उसको बुक लंग्स बोला जा रहा है। वो लंग्स कंप्लीट नहीं है, लंग्स की तरह एक हाई सरफेस एरिया का स्ट्रक्चर है, इसीलिए हमने बोला। और किसी ने कुछ पूछा है? 11th का एग्जाम होगा। मेरे से पेपर तो लिया गया है, पता नहीं एग्जाम कौन सा एग्जाम 11th का। अच्छा, ये बोर्ड का शायद। सर नोट सेंड कर दीजिएगा। हाँ मैं कर दूंगा। हाँ, खुशी का एक ही पर्पज है, इसको चाहिए नोट्स। ठीक है, नोट्स मिल जाएगा। हाँ आकांक्षा बोलिए। निशांत, ओके सर, सर एक बार ये सिंपल एनीमिया